भागलपुर में दुर्गा पूजा का समापन रविवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ हो गया, जहां विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों की मूर्तियों का विसर्जन मुसेरी घाट पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में किया गया। दोपहर बाद शोभा यात्रा स्टेशन चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए मुसेरी स्थित घाट पहुंची, जहां विसर्जन कार्यक्रम देर शाम से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा, जिसमें भक्तों ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी, ताकि विसर्जन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके। देखिए, इसमें कोई कारण नहीं, दुर्गा पूजा महासमिति समिति के द्वारा उसका निर्माण हुआ और समितियों के द्वारा तय हुआ था कि पहली प्रतिमा जो है वो 3 बजे सेशन आएगी। प्रवृत्ति के साथ यह तय हुआ था और हम लोगों ने 3 बजे आरती का भी एक कार्यक्रम किया था। उसमें हमने माननीय विधायक, माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, ठीक है, सबों को जो है हम लोगों ने आमंत्रण दिया है, ठीक है। और क्या था कि जब हम लोग साहेबगंज और कंपनी वार्ड की प्रतिमा को, चूँकि है कि हमको ततारपुर से निकलना है और लाइन ऑर्डर के देखते हुए हमको एक साथ निकलना है, तो प्रवृत्ति को थोड़ा जल्दीबाजी हो गया। अब क्यों जल्दीबाजी हो गया हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि जो विसर्जन मार्ग में जो बिजली अवरुद्ध होता है उसको हम लोग कम से कम समय में करेंगे, कम से कम बिजली कटे। तो कम से कम बिजली तभी कटेगा जबकि सारा प्रतिमा एक साथ निकलेगा। तो पूरे भागलपुर में तय था स्टेशन पे 3 बजे प्रवृत्ति को आना है और प्रवृत्ति के पीछे बाकी प्रतिमा कतारबद्ध चलेगी। अब क्या है कि प्रवृत्ति 2:15 बजे आ गई, तो उसके कारण आपका 1.5 घंटा बिजली जो है कटा। क्या लगता है पूजा समिति का उन लोगों ने बात का अवहेलना किया? नहीं, कोई अवहेलना नहीं हुआ, कहीं कोई अवहेलना नहीं है। उसके मन में आया, चूंकि क्या है बड़ी प्रतिमा है, वो चाह रहा होगा कि हम दिने दिन विसर्जन कर दें। बड़ी प्रतिमा आज भी तो नहीं बना, पहले भी बड़ी प्रतिमा नहीं। क्या है ना कि इसके पहले हम लोग क्या करते थे ना कि पर्वती 11 बजे अपने निकल जाती थी और 11 बजे पर्वती तो निकल जाती थी, वो तो सायंकाल के पहले उसका विसर्जन हो जाता था, लेकिन बाकी प्रतिमा 4 बजे के पहले नहीं आती। भागलपुर में दशहरे की धूम के बीच गोराडी प्रखंड के बिशनपुर जिच्छो हजरा पोखर किनारे दुर्गा मंदिर परिसर में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व महिला संयोजक दीपक सिंह ने किया, जिसमें थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार और मंजीत सिंह ने तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। वहीं इस कार्यक्रम को देखने के लिए माता रानी के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं रावण दहन के बाद बचे हुए टुकड़ों को घर ले जाने की होड़ सी मच गई, क्योंकि इसे बुरी आत्माओं से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वहीं मेला संयोजक दीपक सिंह ने बताया कि यह आयोजन समाज को संदेश देती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा हमें यही सीख देता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमारे आयोजक दीपक बाबू के द्वारा बड़ा ही सफल कार्यक्रम किया गया, इसके लिए पुलिस प्रशासन इनको धन्यवाद देती है। बड़ा ही मेहनत के साथ इन्होंने किया और इसमें पुलिस प्रशासन भी इनको काफ़ी सफल। देख रेख में भले हुआ, सब आयोजन माता भगवती माँ दुर्गा की कृपा से हुआ, सब अच्छा हो रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। बच्चे से हमने CTS में लाजपत पार्क में देखा था कि अब अपने खुद कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, आत्मसंतुष्टि मिल रही है। चलिए, भागलपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है। NGT के निर्देश अनुसार बहती नदियों को स्वच्छ रखना अनिवार्य है, लेकिन भागलपुर में गंगा नदी के बीच चदरा डालकर कृत्रिम तालाब बनाकर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 70 छोटी और बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होना है। वहीं छोटी मूर्तियों के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़ी मूर्तियों के लिए गंगा नदी में चदरा डालकर तालाब का आकार देना NGT के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। स्थानीय निवासी प्रदीप सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया से गंगा नदी को साफ रखने के नियमों का पूरी तरह अनुपालन नहीं हो रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से चिंता का विषय है। एक बात बताइए, जो पीछे ये चदरा से घेर के विसर्जन घाट बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर भी पानी है और उसके आगे भी पानी है, तो मूर्ति आएगी तो उसका रंग जाएगा कि नहीं उस पर? देखिए, ये जो घाट बनाया गया है, ये जो चदरा से घेरा गया है, ये NGT एक्ट का पालन तो अक्षरशः नहीं हो रहा है,
इसमें है कि एक विशेष बड़ी प्रतिमा के विसर्जन के लिए किया गया है, और अभी बाढ़ के देखते हुए ये पहले तालाब बनाया जाता था, वह तालाब नहीं हो सका, और एनजीटी एक्ट का पालन हो, हालांकि अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है या मान रहे हैं, यह भी हम नहीं बोल सकते हैं कि उसमें केमिकल जाएगा नहीं, केमिकल तो जाना ही जाना है, लेकिन वह कुछ अक्षरशः पालन एनजीटी एक्ट का हो रहा है। के नज़र के सामने जो कृत्रिम तालाब गंगा में बन रहा है चदरा से घेर के, इसमें जो मूर्ति आएगा क्या उसका केमिकल वाटर गंगा पानी से कनेक्ट नहीं होगा? देखिए पानी का धार जब है तो पानी में तो जाएगा ही, अब उसमें केमिकल है या क्या रंग है ये तो हम सही तरीका से नहीं बता पाएंगे, और इसका कोई दूसरा विकल्प भी आपके यहाँ शहर में नहीं है। कलकत्ता में जैसे आपके विसर्जन घाट है तो वो अच्छा लंबा चौड़ा विसर्जन घाट है, और ये अपने यहाँ इस विसर्जन घाट में उतना जगह नहीं होने के कारण एक तालाब जो बना वो तालाब उस लायक नहीं कि बारामूर्ति का विसर्जन हो जाए, और दूसरा बारामूर्ति बनाने के लिए विसर्जन के लिए अभी अपने पास ज़मीन नहीं है, जिसका विकल्प नगर निगम के द्वारा ये कराया जा रहा है और अभी पेंट किया कलर का, तो हमको लगता है कि चार साल से जो विसर्जन हो रहा है तो केमिकल का यूज ही कम हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। एनजीटी के गाइडलाइन का पालन आपको होता हुआ दिख रहा है? पालन तो जो जगह उस लायक से तो हो रहा है, चूंकि गंगा खुली गंगा में विसर्जन नहीं हो रहा है। गाइडलाइन है कि आप सीधा गंगा में नहीं गिराएं जी, घेर देने का मतलब क्या होता है? घेर देने का मतलब इसका कचरा गंगा में नहीं जाएगा, लेकिन केमिकल कलर का जो अवशेष है वो तो जाएगा। केमिकल कलर का जो है तो उस पर है क्या कि अब केमिकल का मात्रा है क्या नहीं है, और ये है भी नहीं, चूंकि महासमिति के हर समिति को बोला गया है कि अपने मूर्ति पे केमिकल का नहीं करेंगे। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी, एसपी कोठी, तिलका मांझी, भागलपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में लगातार हो रहे कटाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कटाव निरोधक कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों के घर कटाव में नष्ट हो गए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कमजोर पुल पुलियों की जल्द मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। मसाढ़ू में कटाव हुआ है और इसमें करीब 40 से अधिक घर लीन हो गए हैं। इसमें हमारे वार्ड प्रमंडल से काम हो रहा है और उसमें हमने और भी तेज गति से काम करने का निर्देश दिया है, और जो लोग भी कटाव से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया गया है। साथ ही उनके घर के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृति पत्र कल हम लोग स्वीकृति पत्र उनको दे देंगे, और जो लोग गृह विहीन रहे हैं, जो जिनके पास भूमिहीन है उनके लिए भी हम लोग अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लोग को जमीन मतलब मुहैया कराएगी सरकार? हम लोग उनको उचित मुआवजा मुहैया कराएंगे, और आगे इस इलाके में मजबूती के लिए हमने विभाग को एक मजबूत बांध बनाने के लिए अनुरोध किया है और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही गांव वालों ने भी यहां पे मजबूत बांध बनाने का अनुरोध किया है, इस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई। सर तो अगला साल से भी प्रयास कर रहे हैं कि बरारी टू यहां तक हो जाए? अब बिल्कुल उसमें एस्टिमेट भी बना और आगे कार्रवाई चल रही है। अभी मामला विभाग में लंबित है, उस पर हम लोग फोकस करके इसको शीघ्रातिशीघ्र कराएंगे। ग्राम पंचायत ममलखा के चायचक बस्ती है जी, और मसाढ़ों में जिस तरह का कटाव भयावह आप लोग को देखने को मिला है, बस अब स्थिति और भयावह बन रहा है, जो कि वो चायचक में भी कटाव जारी हो गया है। तो हम अपील करना चाहते हैं SDO साहब से, भागलपुर SDO से, कि वो जल्द से जल्द चायचक में आ करके और अपनी कटाव को रोकथाम के लिए, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण विभाग से या अंचलाधिकारी को कहें, जैसे भी कहें, लेकिन जितना जल्द हो जल्द से जल्द आवे और इस कार्य को प्रारंभ करें।
नहीं तो फिर जो मसारू का हाल हुआ है वही हाल यहाँ चाय चक में होने वाला है। और मैंने 10-15 मिनट में समझिए कि यहाँ कटाव भयावह स्थिति बनते जा रहा है।